नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जीबीसी ब्रेकिंग में एक बार फिर से। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सलमान खान स्टारर फिल्म टाइगर 3 मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। और वहीं आप लोगों को बताएंगे कि सलमान खान स्टारर फिल्म टाइगर 3 मूवी का ट्रेलर कब तक रिलीज़ हो सकता है, और वहीं इस फिल्म का टीज़र आप लोगों को कब तक देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे और आपके चैनल जीबीसी ब्रेकिंग पर नए हैं तो जीबीसी ब्रेकिंग पर बने रहें, ताकि हमारी ऐसी लेटेस्ट अपडेट बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस की आप लोगों को मिलती रहे सबसे पहले। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं, देखते रहेगा पूरा वीडियो। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है, सलमान खान स्टारर फिल्म टाइगर 3 मूवी का क्रेज और बस बहुत ही ज्यादा बना हुआ है। टाइगर 3 मूवी को जो कि ज्यादा समय नहीं बचा है, यानी कि अगले ही महीने इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा। आप लोगों को पता ही चले कि सलमान खान स्टारर फिल्म टाइगर 3 मूवी एक ऐसी जोरदार और धमाकेदार फिल्म होने वाली है। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि टाइगर 3 मूवी जो कि स्पाई यूनिवर्स की सबसे बड़ी फिल्म है, और वहीं दोस्तों स्पाई यूनिवर्स की ये सबसे जानी मानी फिल्म है। टाइगर 3 मूवी को लेके जितना ज़्यादा ऑडियंस एक्साइटेड है, उतना ही ज़्यादा जो कि मेकर्स भी इस फिल्म के बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं इसको लेके। हालांकि इस फिल्म का एक छोटा सा वीडियो रिलीज़ किया गया था, उस वीडियो में जो कि ना टाइटल में ना ट्रेलर लिखा गया था, ना टीज़र लिखा गया था, लिखा गया था टाइगर मिसिंग है। यानी कि मेकर्स बहुत ही बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं इस फिल्म के जो कि ट्रेलर और टीज़र को लेके। हालांकि ऑडियंस के बीच में क्रेज और बस तो बनाई हुआ है, लेकिन जब इसका इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज होगा तो बहुत ही फाड़ होने वाला है, बहुत ही जोरदार होने वाला है, और सारे के सारे ऑडियंस के जो कि गूज़बम आने वाले हैं। आप लोगों को बताइए चले कि इस फिल्म को 10 नवंबर के दिन सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। और वहीं आप लोगों को बता दें कि टाइगर 3 मूवी का बजट 300 करोड़ रुपये है। सलमान खान यानी कि बॉलीवुड के भाईजान बहुत ही दमदार तरीके से बॉलीवुड में एक बार फिर से धमाका मचाने वाले हैं। दोस्तों, हालांकि सलमान खान की हर फिल्म में जो कि अच्छा खासा कलेक्शन तो करती ही करती हैं, लेकिन जिस तरीके से शाहरुख खान और सलमान खान जिस तरीके से इन दोनों सुपरस्टारों की पॉपुलरिटी है, और वहीं दोस्तों जिस तरीके से ये मूवियां दे रहे हैं अब, बहुत ही हट के और बहुत ही जोरदार दे रहे हैं। आप लोगों को बताइए चले कि इसमें आप लोगों को विलन का किरदार निभाते हुए नज़र आएंगे इमरान हाशमी, और वहीं दोस्तों टाइगर से लड़ते हुए नज़र आएंगे। और वहीं आप लोगों को बताइए चले कि इस फिल्म में आप लोगों को शाहरुख खान भी बहुत ही जोरदार तरीके से फाइट करते हुए नजर आने वाले हैं। टाइगर 3 मूवी जिसमें जो कि सलमान खान का कैरेक्टर है अविनाश सिंह राठौर, जी हाँ दोस्तों, अविनाश सिंह राठौर उफ टाइगर जो कि बहुत ही शानदार तरीके से एक्शन करते हुए नजर आने वाला है आप लोगों को 10 नवंबर के दिन सिनेमाघरों में। बात कर लेते हैं इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और पोस्टर के बारे में। तो इस फिल्म का पोस्टर भी बहुत ही जल्द रिलीज़ होने वाला है, यानी कि 4-5 दिनों में इस फिल्म का पोस्टर आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। वहीं ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर इस फिल्म को बहुत ही जोरदार तरीके का तो होने ही वाला है, लेकिन इस फिल्म का ट्रेलर आप लोगों को जो कि 5-6 दिनों के अंदर देखने को मिल सकता है। पहले टीज़र फिर ट्रेलर आप लोगों को 2-3 दिन बाद देखने को मिल सकता है। वहीं बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो आप लोगों को बताया चले कि यह फिल्म अपने पहले ही दिन जो कि 80-90 करोड़ रुपए की बम्पर ओपनिंग ले सकती है। तो आप लोगों को क्या लगता है, सलमान खान स्टारर फिल्म टाइगर 3 मूवी क्या अपने पहले दिन क्या 80-90 करोड़ रुपए की ओपनिंग ले पाएगी नहीं? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, और साथ ही साथ हमारे और आपके चैनल जीबीसी ब्रेकिंग पे नए हैं तो जीबीसी ब्रेकिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें, ताकि हमारी ऐसी लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।